मिर्जापुर नगरीय क्षेत्र में वर्तमान समय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मिर्जापुर द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन कराए तथा बिना पैनलिस्ट MBBS डॉक्टरों की सुविधा लिए मनमाने ढंग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की उदासीनता का लाभ उठाकर मिर्जापुर के नगरीय क्षेत्र में फर्जी एवं अवैध हॉस्पिटलों की भरमार हो गई है। मिर्जापुर नगर के रदानी कॉलोनी महिला हॉस्पिटल रोड मिर्जापुर थाना शहर कोतवाली के अंदर कर जीवन रेखा हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर का संचालन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार मौर्य श्रीमती पुष्पा जी द्वारा अवैध ढंग से बिना पंजीकरण एवं बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिर्जापुर कार्यालय के दिशा निर्देशों को प्राप्त किए जा रहे हैं तथा जीवन रेखा हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर में इन डॉक्टरों द्वारा भोली भाली जनता एवं गरीब मरीजों का इलाज एवं ऑपरेशन भी किया जा रहा है तथा गरीब मरीजों से मोटी रकम वसूलने का धंधा किया जा रहा है, जिसके कारण मरीजों की मौत की घटनाएं प्रकाश में आती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार पांडे में आमजन से मिल रही सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल उचित कार्यवाही करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की मनमानी रवैया पर लगाम नहीं करता है तो एक बड़े आंदोलन के रूप में जिला प्रशासन को जगाने का कार्य करेंगे। पीछे जो है जो कमरा बंद था ओटी जहाँ सील हुआ था उसके बगल से उसमें जो है दोनों मरीज रखे हुए हैं, बिना डिग्री के ऑपरेशन कर रहा है वो व्यक्ति, और CMO ऑफिस मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के हैसियत से मैं चेतावनी देता हूँ, अगर ऐसे हॉस्पिटल बंद नहीं हुए और ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन मिर्जापुर जनपद में हुआ।